यहाँ पर तशरीफ आए हैं अतुल अजीम चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन बेंगलुरु, हरी जनाब मुख्तार अहमद पठान एक्स प्रेसिडेंट एमडीसी सेक्रेटरी, जी है मुजीबुल्ला जाफरी स्पेशल ऑफिसर माइनॉरिटी कमीशन असियत पीएसटू चेयरमैन वाइस चेयरमैन डी डब्ल्यू ए सी शफीर अहमद जमाला वक्त ऑफिसर सिकोड़ी तस्दीक पटाई जो है चेहरे कुर्सी की ही जो है निशान है और लेकिन भी तोहफा है हमने बतौरे तोहफा दिया है दिल निकाल कर ग्रहो अजीज तो रखना सवाल है। जब वो नबी आएगा तुम उसकी हिदायत को कबूल करना होगा, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। ये काम नहीं हुआ, हमारे पास हुआ कि नहीं हुआ। इसराइल की और फिलिस्तीनी की जंग चल रही है, सारा मुसलमान परेशान है। आपको परेशानी हुई क्या? नहीं, कोई ऐसा मुसलमान जो है जिसको परेशानी नहीं हुई, एक आदमी भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? हर जगह होटलों में बात हो रही है, दुकानों में बात हो रही है, घरों में बात हो रही है, कोई नहीं मिला तो मियां बीवी में बात हो रही है, दोनों भाइयों में बात हो रही है। इसलिए उनका और हमारा कलमे का रिश्ता है। अगर किसी कलमे को भाई को तकलीफ हो रही है, उसकी तकलीफ हमको पहुंचती है। ऐसे तो कितने की कैसे सबको मालूम होती है, पेपरों में पढ़ती है, कुछ नहीं होता, मगर पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है। दुआएं हो रही पूरी दुनिया में। जब से मुझे होश आई, मस्जिदों में हम दुआएं सुनते आ रहे हैं, अल्लाह मस्जिद अक्सा को बचा ले, अल्लाह हमारे जो अव्वल खिबला था उसको बचा ले, उसकी हिफाजत फरमा। कुछ काम नहीं हो रहा है, दुआएं तो मांग रहे हो। जब अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है तो हम क्या करना है? दूसरा सवाल याद रखो, अल्लाह हमारे से क्या गलती हो गई? हम कोई किस बात की, किस जुर्म की सजा दे रहा है, इसके बारे में कोई सोचा है? कोई नहीं सोचा। दुआ मांग रही अल्लाह, इतने दुआएं करने के बावजूद भी तूने हमारी क्यों नहीं सुन रहा? इसका जवाब हदीसों में आया है, किताबों में आया है। जब कौम गुनाहों में मुब्तला होगी, अल्लाह ताला जालिम बादशाह को मुसल्लत करेगा, है कि नहीं? भी पढ़े कि नहीं? तो आप सोचना पड़ेगा गलती हमारे क्या हो। जब गलती हुई तो अब दुआ मांगना है कि अल्लाह बचा नहीं, अल्लाह हमारे से क्या गलती होगी, गलती होगी तो माफ कर दे। तो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है, माफ कर दे, हमी हम फिर गलती नहीं करेंगे। तो वक्त है, इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, करना में क्या बोलते हैं सर? नॉट ज्ञान होता है, आत्मा वालों का क्या बोलते मार को भी खुद करो तब भी नहीं। ये काम आप भी करना होगा, मैं भी करना होगा। जिस इंसान के पास फिक्र नहीं है, अल्लाह ताला उसके लिए अजबाब पैदा नहीं करता। फिक्र करो, फिक्र ही नहीं हमारे पास। रास्ते में जो है आग जल रही है,
रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते आप, तब कैसे जाना है? चुप खामोश पड़ के उधर ही बैठ जाते हैं। तदबीर करना क्या नहीं, सोचना क्या नहीं, फिक्र करना क्या नहीं? जब फिक्र करेंगे तो अल्लाह अजबाब पैदा करेगा। ना हमें खुदा की कुदरत को पहचाने, ना खुदा से कभी ठीक तरीके से सवाल करें, ना हमारे गुनाहों की माफी मांगे। एक बहुत ही सिंपल फार्मूला देता हूं, अल्लाह कितना बड़ा करीम और रहीम है, रहमान और रहीम है, किस तरह इंसानों को नवाजता है, ये कभी आप खामोशी के साथ ये घंटा बैठ के सोचिए। आप कहां के रहने वाली हैं? पैदा कहां हुए? आप कहां के रहने वाले हैं? आप कहां पर हैं? बेलगाम। बेलगाम कितने साल से, कितने साल पहले गए आप? तुम्हारे वालिद के साथ गए कि तुम अकेले गए? अकेले गए। जब अभी क्या बिजनेस है आपका? कितने पैसे लेकर गए कुर्सी से? ये जिंदा मिसाल है। इनको अजबाब देने वाला कौन, रास्ता बताने वाला कौन? 90% लोग जो है खाली हाथ गए थे। रुकना बात करूं, अजान हो रही है बात करूं या खबर ही नहीं कैसे आ गए? आप थोड़ा बैठ के सोचिए, बेलगाम को ये तुम्हारा रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार गया है, आपका कोई ये रिश्तेदार जो है बेलगाम गया या मैसूर गया या बेंगलोर गया, जाकर कोई मैकेनिकल शॉप में जम गया, काम करता रहा, गैप से कोई आदमी आके बोला बहुत अच्छा काम करेगा बेटा, मेरे साइड से एक साइड ले ले, तो इंस्टॉलमेंट में दे। साइड लिया, बेटी की शादी किया, बेटे की शादी किया, पढ़ाया, घर बन लिया, कौन किया? कभी अल्लाह के इन फैसलों के बारे में आप सोचें? अल्लाह दुनिया को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, समंदरों को पैदा किया, पहाड़ों को पैदा किया, ये सारी चीजों का इंतजाम कर रहा है। हमारा काम क्या है? सिर्फ जो है फिक्र करना, हाथ पैर मारना, पूरा इंतजाम वो करेगा। आज हमारे पास ये बात क्या हुई? फिक्र नहीं है हमारे पास। अगर फिक्र आ गई तो समझो कि मैं जो क्या कहूंगा ना, बुड़ची कर्नाटक में नंबर वन बनेगा। आज हजरत माँ साहबा की दरगाह के पास, मुकद्दस जगह के पास मैं खड़ के कह रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे, पूरे कर्नाटक के अंदर नंबर वन मुकाम बनेगा। थोड़ी फिक्र कर लो। हमारे साथ हमारे मुजीबुल्ला जफारी साहब आए, ये केस ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, बीबीएमपी में जॉइंट कमिश्नर थे, आपके वफ के सीईओ थे, मुमताज अली खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी बनके काम करें, पूरे वक्त के मामला जो है पूरा धोकर पी लिए हैं, हर मसले का हल इनके पास है। इसी तरह पठान साहब भी आए, ये जब केएमडीसी के डायरेक्टर थे, आपके यहां आना जाना था। अब रही बात, थोड़ी सी फिक्र कर लो। गालिब का शेर है सर, क्या हो? कुछ तो फिक्र कर, आई नादान मुसीबत आने वाली है। इसी तरह जो फिक्र करने का वक्त है, हम जो है सरकार के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहिए। मैं खुले लफ्जों में बोल रहा हूं,
जो मिलना है कोशिश करेंगे। हम क्या किए, सरकार दे रही है बोले तो, और 100 साल के तो हम जहां ही वहां रहे। तुम्हारे घर तुम्हारे पास 99% लोग घर बन लिए कि सरकार बना के दी। 99% लोगों के बच्चे जो पढ़े ही मेडिकल करे ही इंजीनियरिंग करे ही डॉक्टर्स करे ही एडवोकेट्स बने ही कि सरकार बनाई। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। 2%, 3%, 5% सरकार के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, बाकी का हमारे घर का काम हमें खुद करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मैं एक हम एक कॉन्सेप्ट बनाए रखे। इसीलिए मैंने कहा हमारे वक्फ ऑफिसर को, ये बार जो है कैसा भी हम जा रहे हैं यहां पर मुतवलियों को बुलाओ, मुतवलियों को इस वास्ते बुलाए कि हमारे जो मसाजिद है, मसाजिद को तुम जो है एक इस्लामिक सेंटर बनाओ। उसका मतलब क्या है बोले तो, नमाज भी चलती रहेगी, कुरान की तालीम भी दी जाएगी और तुम्हारे मोहल्ले का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इस मस्जिद के आते में कितने डॉक्टर सही, कितने इंजीनियर सही, कितने गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, वो यहां पर हो या बेंगलोर में, उनकी माली हालत क्या है, वो सर्वे करो, एक बुक बनाओ। और हमारे उसी मस्जिद के आते में तुम्हारा एक छोटा सा बैतुल माल भी चलता है, जो बहुत ही गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है, सुबह को कूली को जाता है, उनका भी एक लिस्ट बनाओ। अगर वो मुसीबत में किसी डेथ हो गई तो उसे 2,000 रुपए बेचो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम्हारे बैतुल माल से माल भेजो। हम मतलब पुलिस स्टेशन को जाने की जरूरत नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूं, 90% हमारे प्रॉब्लम्स हमारी मस्जिद में एक काउंसलिंग सेंटर बनाओ। अगर तुम्हारे पास कोई एडवोकेट नहीं है, एक जाना मुने दो लोग हैं, उनको संडे बिठाओ, देखो भी 4 केसेस हैं, उनकी सुनवाई करो, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो उनके बाद स्टेशन में जाने। सारे प्रॉब्लम तुम्हारे साल होते हैं या नहीं, जो इंसान दरूद शरीफ पढ़ के जो कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो उसमें बरकत आ जाती है, नहीं उसकी जबान से आने वाला फैसला अल्लाह का फैसला बोल के मानते हैं कि नहीं, फिर क्यों नहीं मानते। तुम्हारी मस्जिद में काउंसलिंग सेंटर हो, बैतुल माल हो, तुम्हारी मस्जिद में बाकायदा कुरान शरीफ की तालीम हो, और तुम्हारे जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, जैसा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में 2 घंटे बैठता है सुबह को आकर, इसी तरह तुमको बैठना पड़ेगा। लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, छोटी मोटी फरियाद, वो फरियाद सुनो। अगर आप किसी ऑफिसर को जानते हो, किसी डॉक्टर को जानते हैं, फोन करके बोलो हमारा आदमी आ रहा है। अगर आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर को 500 डॉक्टरों की पहचान होती है, होते क्या नहीं, उसकी पढ़ाई के सीजन से लेके आखिरी तक 500 डॉक्टर। कोई बोलता है कि जो तुम दवाई को जाओ कैंसर है तुम्हारे पास, सदर साहब मेरी बीवी कैंसर हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, मैं उनको बात करता हूँ, फोन उठाओ बात कर, अरे भेजो मेरे पास हॉस्पिटल की बैंक में एक लेटर दे, मेरा मेरा एक विजिटिंग कार्ड, सर्विस हो गया नहीं, खिदमत मस्जिद के अंदर सारे हर काम हो रहा। तुम्हारे जमाने में जो यहाँ पे बहुत सारे उम्र रसीदा लोग बैठे हैं, आपके यहाँ पहले 18 कचेरी थी, यानी बेंगलोर में थी 18 कचेरी, वो ब्रिटिश के जमाने से ही, हो सकता है कि बेलगाम में थी वो 18 कचेरी। का मतलब जो है पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स वो पूरे उसी एक छत में रहा करते, जेल भी थी, सब रजिस्ट्रार भी था, तहसीलदार की ऑफिस भी, पुलिस स्टेशन भी, ट्रेजरी भी है, क्या नहीं वो सब जगह कॉन्सेप्ट। इसे तुम्हारा मस्जिद के आते में सारे खिदमत चलते रहना, काम चलते रहना, तुम्हें भी एक 2 घंटे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बैठे रहो, लोगों की फरियाद भी सुनते रहो, इस तरह से तुम काम करो, ये फिक्र तुम्हारे होना, तुम्हारे पास होना।
अब रही बात वक्त की कमी है, हम माइनॉरिटी कमीशन की जायज से आपके सामने आए हैं। हमारी कमीशन का काम है कि मस्जिदों की हिफाजत करो, मुसलमानों की हिफाजत करो। मुसलमान अगर तकालीफ में है तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए जो कुछ इकदाम आप कर सकते हैं वो करो। आज मैंने क्या किया, बेलगाम जेल गया, मुख्तार पठान साहब को लेकर गया, हमारे संदीप साहब को लेकर गया, हमारे जो जेल सुपरिटेंडेंट एयरपोर्ट में आकर रिसीव करके लेके गया। वहां हम जो है उनसे बात करें, कितने मुसलमान है, कितने क्रिश्चियन है, कितने जैन से, किस किस केसेस में है, हुबली के कितने लोग हैं, उनसे भी बात किया। हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं कार्रवाई, उनको दिलासा दिया मैंने। ये मुसलमानों की हिफाजत का काम हम डे नाइट काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन का भी काम, मस्जिद दरगाह, इसकी हिफाजत भी करना माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी है। कानून ने यह पावर हमको दे रखा है। आज मैं इसलिए आया कि हमारे जफारी साहब बोले यहां पर एक बहुत बड़ी दरगाह है। 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं आने को, कोविड हो गया, उसके बाद नहीं सके, 2-3 बार बीच में पठान साहब से 1 साल पहले बोला वहां जाना है मुझे। अब हमारी कम्युनिटी को अपने ऑर्डर में रखना है। हमारी जो इंस्टीट्यूशन बोले तो हमारे जो इदारे, उनको कैसे मजबूत किया जाए, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे तो वक्त आएगा हम चले जाएंगे, आने वाली नस्ल को क्या करेंगे। सच्चा मुसलमान वो है जो आने वाली नस्ल की फिक्र करता है, अपनी फिक्र नहीं। हम पैदा हो गए, हमारे माँ बाप अपना तालीम दी, घर बना के दिए, शादी करवाई, बच्चे हुए, अच्छा खाए पिए सब कुछ करे। 60 साल की उम्र के बाद में एक सर्वे कहता है कि 8 लोग 100 में 8 लोग जिंदा रहते हैं। क्या भाई, 60 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं उसके उनमें से 8% 8 लोग जो है जिंदा रहते हैं। तो 60 साल की उम्र के बाद में सारे के सारे निकल गए, 92% लोग नहीं। तो इसलिए जो है हम काम करना है हमारी नस्ल के। इस काम को हम जो है मुलतवी नहीं करना चाहिए। तो आप बैठकर फिक्र को, जो सरकार से आने वाला है वो हम जरूर कोशिश करेंगे, दिलाएंगे, नए नए रिकमेंडेशन हम सरकार को भेज रहे हैं। आपके बहुत सारे सवाल का जवाब हमारे मुझे अब्दुल्ला जफारी साहब ने दिया है, हर सवाल का जवाब भी है, हर प्रॉब्लम का हल भी है, हल को ढूंढ के निकालना है। ये काम हम करेंगे। जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं, बेंगलोर को जब आना होगा हमारे ऑफिस को आइए, 11:30 से लेकर 3:30 तक मैं बैठा रहता हूँ। हम किसी को आज तक 4 साल हो गए मैं आकर, हम किसी को वापस नहीं भेजी। मेरे ऑफिस को कौन आए, कौन विजिट करे मेरे ऑफिस, हाथ उठाओ। पर हर आदमी को सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बैठकर मुस्कुराहट से बात करके, उनके प्रॉब्लम को सुनकर हल करके, ऑफिसरों को वहां से ही फोन करके लेटर देने का काम मैं करता हूं। तो इसी तरह आप आइए, हम तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हैं। और यहां के बारे में आप फिक्र करिए, हम जो छोटे मोटे काम के लिए गवर्नमेंट करेगी बैठना नहीं। और दूसरी बात, 3 बात मैं बोलकर खत्म करता हूं। एक जो है तुम्हारे जो जायदाद तुम्हारे कब्जे में ही आ गया, उसकी हिफाजत करने वास्ते गवर्नमेंट से कंपाउंड को पैसे मिलेंगे, दिलाएंगे पैसे। वो बात पहला काम क्या करना, उसकी हिफाजत करना है तो उसकी जो चकबंदी रहती है ना भाई, एक एक कर जगह, ये तुम्हारा सागवान, ये तुम्हारा कैसे क्या बोलते सागवान, ठीक वो या वो नीलगिरी के झाड़ आती, ये 3 रो यूं डालो,
ऑटोमेटिक पिक दे रहती मोस्ट तुम्हारी बाउंड्री बस पैसे आने के बाद डाल लो हमें गवर्नमेंट को बोल के एक बार कितने पैसे दिले भी काम पर लेकर वास्ते 15 करोड़ रुपए दिलाए हमें मिसाल दी गवर्नमेंट में क्रिश्चियंस अपनी प्रॉपर्टी बचा लिए हमारी प्रॉपर्टी एनक्रोच हो रही है इसलिए हम पहले ही बात कर रहे थे बार सरकार ने 15 करोड़ रुपए दे रखे पहले कंपाउंड बनाओ अपनी जगह को बचाओ उससे पहले आप क्या करो ये 3 झाड़ों की रोजदार नंबर 1 हो गया दूसरा कब्रिस्तान का मामला है बाजू का रैयत हल चलाता नहीं कभी हल चलाए तो मट्टी आधा अड़ी तुम्हारी जमीन में पड़ती क्या नहीं पड़ती क्या नहीं हजरत ये साल आधा अड़ी पड़ी फिर वो मार्ग देख ले तो दूसरे साल वो हल चला था फिर आधा अड़ी उतर पड़ी तीसरे साल और आधा अड़ी पड़ी 10 अड़ी 15 अड़ी 20 अड़ी जगह जो एनक्लोज कर लिया फसल डाल ले बोले जगह हमारी उसके आगे तुम्हें क्या करो कब्रिस्तान की जगह है तुम्हारा हस्बैंड जब मालूम होता है 2 खबरें वहां पर गाड़ो सेंटर में गाड़ो बाकी गाड़ ले गाड़ ले ये जगह एक दो दो खबर जो है कब्रिस्तान के हाथ में गाड़ रही ना अभी तुम्हें गाड़ो वो तुम्हारी निशानी बनेगी तुम्हारा एविडेंस बनेगा मैं पुलिस ऑफिसर खेत से मैं बोल रहा हूं कल का दिन एनक्रोच नहीं ये काम करके पहले जगह बचाओ उसके बाद मस्जिदों की हिफाजत के लिए काम करो और तुम्हारे लिए दूसरे जो स्कीम थे उसके बारे में हम सोच रखा है इंशाल्लाह और एक बार आता हूँ नमाज का वक्त भी हो गया है अब रही बात हम जो कमेटी के पास एक 15 मिनट बात करेंगे बात करके कमेटी के बारे में साथ में बात करेंगे अगर वक्त नहीं मिला तो हम जो है तुम्हारी मस्जिद वालों को और कमेटी वालों को हम दावत दे रहे हमारी ऑफिस को जो है पूरी कमेटी वाले आई एक 2 घंटे बैठेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या कर सकती है हमारे से क्या खिदमत मिल सकती है गवर्नमेंट से क्या खिदमत मिल सकती है इसका ये काम करना है वक्त हो रहा है वक्त चाहो चाहो हो रहा वक्त हमारा नमाज का नहीं है हमारा वक्त हो रहा है जाने का चंद लंबे बचकर फिक्र करके ये काम करेंगे हमें तुम्हें बैठेंगे हमारे साथ दोपहर में खाना खाओ हमारी दावत पर क्यों तो हमने ये जो एक्ट जो है पावर दिया है टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द माइनॉरिटी तुम्हारा तुम्हारा पास ही रहेगा कोई नहीं छिड़ेगा अब क्या करना है कैसे करना है फिक्र करेंगे तो अल्लाह जरूर जो है रास्ते खोलेगा हम सब मिलकर ये हमारे कलमों को भाइयों की हिफाजत करें और मैं गुजारिश करता हूँ एक बात हिंदुस्तान में अगर जीना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर जीना पड़ेगा डिप्लोमेसी से जीना पड़ेगा प्यार मोहब्बत से जीना पड़ेगा ये काम भी हमारे लिए हमारी नस्ल वालों के लिए भी काम करना है ये कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह क्या भी कुछ बोलना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम पहले तो हमारे आए हुए सभी मेहमानों का हम लोग जो है पूरी कुर्सी वालों की तरफ से हम लोग जो है इस्तकबाल करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं और जैसे कि हमारे माइनॉरिटी में जिस तरह हमारी ज़रूरत है हम लोग सिर्फ माइनॉरिटी जो है सर नाम के लिए माइनॉरिटी बने हुए हैं उसकी फैसिलिटी हमारे कुर्सी तक नहीं पहुंच रही है सर तो हमारे कुर्सी वालों की तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है सर कि अभी श्रम शक्ति की जो KMTC से जो आता है सर उसका सिर्फ जो है एक क्षेत्र को 1.5 लाख रुपये आ रहा है मतलब कि 50,000 के हिसाब से 3 लोगों को मिल रहा है सर तो 2 लाख हमारे कम से कम माइनॉरिटीज यहाँ की जो है 50,000 जो है माइनॉरिटीज हैं सर सिर्फ कुर्ची में वोटिंग है तो 50,000 में अगर 3 लोग माइनॉरिटीज का अगर उसका जो योगदान मिल रहा है तो उसका हम लोग चाहते हैं सर कि अभी 360 करोड़ कुछ माइनॉरिटी बजट हुआ है तो उसमें जो है बढ़ाकर दें ये हमारे कुर्ची वालों की तरफ से रिक्वेस्ट है और सेकंड सर के जो 50,000 पे जो शादी भाग्य योजना माइनॉरिटी की तरफ से आता था वो बंद हो चुका है सर तो अगर आप कुछ प्रयत्न करते हैं तो अगर हमारी माँ बहनों के जो बंद हो चुका है अगर आपके इसमें डायरेक्शन में अगर कुछ हो सकता है वो चालू करने की कोशिश करें थर्ड जो हमारे वक्फ के रिलेटिव है सर 4,000 रुपये हमारे इमाम को पेमेंट मिला है
4000 रुपए और प्लस 2000 रुपए कमिट वाले 2-3000 देके, क्योंकि सिटी में होता है 15-20 हज़ार रुपये मिलता है, दुकान होते हैं उनके जो है इनकम होती है, लेकिन जो हमारे जैसे गांव में कोई दुकान नहीं होता है, मस्जिद के अंदर वक्फ की तरफ से 4000 हमारे लिए 40000 के बराबर है, तो उसका भी हम लोग एक शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ाकर 8 से 10 हज़ार तक का कुछ करेंगे। और हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट बलगाम से 10 से 12 MLAs के लेटर्स लाकर जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देने की कोशिश हमारा वर्क चालू है, तो आगे आने वाले विधानसभा में हो आगे आप कोशिश करेंगे सर हमारे माइनॉरिटीज के लिए अच्छा होगा सर। देखिए सर, ये फिक्र हमको भी है, हम जो है इसके बारे में गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किए एनहांस करने के वास्ते, और आपको मालूम होगा कि हम पिछले 4 सालों से माइनॉरिटीज के लिए 10 करोड़ रुपयों का डिमांड रखे हैं, 10,000 करोड़ का। अभी देखेंगे आपको 2,000 करोड़ मिलेगी, ये बार हमारे चीफ मिनिस्टर ने वादा किया परसों के 10 करोड़ रुपए दूंगा आने वाले फरवरी में, बोल के ये सारे प्रॉब्लम सामना होगा, तो जब तक फंड ज्यादा नहीं करेंगे नहीं मिलेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम साल नहीं होगी, इसकी कोशिश हमारे पास जारी है। अस्सलाम वालेकुम, आए वाले मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत से लोग से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन एक मशहूर एक अजीम शख्सियत हमारे पास आई है, वो है मुख्तार पठान। ये पार्टी का समन नहीं, एक इंसानियत का तकाजा है, इतने अच्छे वर्कर हैं, इतने इंसानियत है, और मेन मॉरल एजुकेशन है, खिदमत खल का जज्बा है, उनके में जो है मैं शायद इसके अंदर नहीं जानता। गरीब के हमदर्द नहीं, उन्हीं योग जो जो अंदाज से गाँव में आई, उन्हें हर काम करने के काबिल करते हैं, हर काम उन्हीं ऐसे गरीब आए कि एक अन्नदाता की हैसियत से ही हर काम सोशल वर्कर की हैसियत से करते हैं। उन्हें कौन से ब्रांड से आए, कौन सी पार्टी से आए, उन्हें क्या करना चाहता है उनके दिमाग में नजरिया भी नहीं, ये आदमी आए इसका खिदमत करना मेरा फर्ज है, खिदमत कल का जज्बा जो है ये वाइट पर्सनैलिटी के अंदर है। रही बात हमारे वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड हमारी इतनी ताकत की जमीन है, हमें स्टेट के चेयरमैन होने की ताकत रखते हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी, हमें या कहीं दुकान आ किया कबीरिया के मालिका नहीं, वसी जमीन के मालिका नहीं, हमें वसी जमीन के मालिका है, जो जमीन हमारी सुन्ना और गद्दी की जमीन है। हाँ, ऐसे हमें हमारे जुनेद दादा जुनेद का हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ को गई हमारे वास्ते, तुम्हें गरीबा का भला करो, गरीबा की खिदमत करो, बच्चा की मासूम बच्चा की एजुकेशन का फैसला करो, तो हमारा फर्ज है कि हमें उसकी रौनक लाखों उनका मरे वाले की रूहानी को ताजी करना। बहुत अच्छा कहे, खत्म करता, बहुत अच्छा कहे, एक बात मुझे बहुत पसंद आई, मुख्तार पठान एक अजीम शख्सियत है, बोल रहे थे सर, नो सर प्लीज, उनके साथ अजीम भी खड़ा है, मैं अजीम हूँ, वो मुख्तार पठान है। अल्लाह ताला इंसान के खल्क को देख के फैसले फरमाता है, KMDC का चेयरमैन बनाया कि नहीं बनाया कि नहीं, की बनाया, उनकी इरादे अच्छे ही, खिदमत करने का जज्बा है, तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर तुम्हारी खिदमत करेंगे, तो उम्मीद रखिए अल्लाह। और जो एक बात क्या बोले तो आप एक बात बोले, ये जो इदारा है तुम्हारा, तुम चाहे बोले तो कर्नाटक के मुसलमानों की लीडरशिप नहीं था, तुम इमामत कर सकते, इमामत कर सकते, मालूम खाली जस्ट तुम्हें जो है मेकअप योर माइंड, तुम ही करो सब काम, देखो उसके बाद में क्या होता है, तुम्हारे पास जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनती है, ऑर्फनेज बनता है, गवर्नमेंट से कंडीशन रखो जो भी चलाएगा 10-15% फ्री एजुकेशन इंजीनियरिंग में मेडिकल में हमारे बच्चों को दो, ये कंडीशन होगा तो तुम्हारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, ये मेरी गुजारिश है, बैठकर बात करेंगे। जी जी, 2006-07 में जो हमारा कर्नाटक का बजट था वक्फ बोर्ड के लिए 6 करोड़ रुपए, लेकिन हमारी जो उसी टाइम में हमारी जो महासाबी की यहाँ के जो कुर्ची की स्टेट की जो डेवलपमेंट के एक सालाना था एक इनकम था खाली एक खाली 200 एकड़ जमीन का 150-150 करोड़ का इनकम था, पता एक्चुअली बहुत अच्छा डेवलपमेंट का है करना। जी जी, देखो KMDC का एक लाख फंडों को एक मिनट बोलो, सुनो खाली KMDC एक मिनट जी एक मिनट एक एक मिनट बोलते सुनो, तभी उसी टाइम में कोविड भी आया था, फंड भी कम आता,
और जितना एक मिनट अरे बाबा एक मिनट पूरा पॉलिटिक्स सुनो तो, खाली इधारे को गवर्नमेंट का पता चलेने का नको सोचो, बाकी का तुम्हारी तरफ से क्या दिया बोलो मुझे। तो 2013 में हमें जब 13 में से डेवलपमेंट का छोड़ गए थे, 13 में से डेवलपमेंट के बाद में से आश्रमों का क्या हुआ उसका देख लो, वो बहुत है। बाद में एस्टेट कमेटी के साथ बात करते हैं, बात करेंगे। देखते हैं जी 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 श्रम शक्ति अलग है, केएमसी से प्रत्यक्ष कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं जी जी। नीतीश हमारे बोलता है बड़ा सर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने का ऐसा है जी जी। अभी तक हमारे मिनिस्टर बिल्कुल जवाब ठहरी अंदर, मैं आखिर में सिर्फ एक लफ्ज तो हमारे चेयरमैन साहब एक बात उन्होंने रखे हुए थे कि चेयरमैन साहब हमारे सर जो शेर पूछ रहे थे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, वो शेर ये था कि वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये अल्लामा इकबाल का शेर था जी। तो उसमें कंप्लीट करा, वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अल्लाह ताला से आज के मशवरे के बारे में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर वक्त मिले तो दोबारा हम आपको दावत देंगे और अच्छे से आपकी मेहमान नवाजी करने का हमें नतीजा गुजारिश है। ठीक है, शुक्रिया तमाम का, शहर वालों का, मुखलियों का, जितने भी लोग आए हैं तमाम का शुक्रिया। चलो निकले मार्केट लोन आए थे भैया क्या कर रहे हैं।